वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और मैं हूं आपकी दोस्त होश सभी, और देती हूं दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, जिस तरह मैं ऑफ कोर्स कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ आपके साथ, जब मेरी मॉर्निंग शो में इंट्रैक्शन होती है, तो ऑफ कोर्स एज यूजुअल कल भी मौसम एकदम, हवाएं इतनी तेज़ चलीं कि सब जो चीज़ें हैं वो धड़म भड़म होने लगीं, और एक खौफ का आलम था। और मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा यार अल्लाह पाक हमें पता नहीं फिर हमें माफ़ कर देता है, बाखुदा हमें फिर माफ़ कर देता है। और हमें, और मेरे जहन में एक ये भी चल रहा था कि बहुत जब पैगम्बरान दीन की बात करें तो सब पर, सब उनकी कौमों पे बड़े अजाब आए सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी बहुत सारी जितनी भी लूत अलैहिस्सलाम की, और बहुत सारी, मैं अभी नाम लेना शुरू करूंगी तो बहुत सारे पैगंबरों ने बददुआएं दी थी उनको, जिनमें पत्थरों की भी बारिश थी और दीमक भी थी, और फिरौन का आपने सुना होगा, और नमरूद का सुना होगा, मच्छरों की थी, और बहुत सारे अजाब आए थे, लेकिन वो संभल नहीं पाए और उन पर अल्लाह पाक ने अजाब नाजिल फरमाए। नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पर लोग चढ़ गए थे, जो लोग उनको, उनकी अल्लाह पाक की जो, अल्लाह पाक को जो मानते थे वो उनके साथ हो गए। इसी तरह मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे झटके इस दौर में भी लग रहे हैं, लेकिन हम नहीं संभल पा रहे। हमारे अंदर पता क्या होनी चाहिए, देखिए कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अल्लाह पाक के बहुत सारे सवालात तो होंगे, लेकिन सबसे करीब वो होगा जो इंसानियत के करीब होगा। बस हमें ये चीज़ जो है ना, अगर हम इसके करीब हो जाए तो अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल करेगा। हम रोज़ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, लेकिन हमारे अंदर इंसान को माफ़ करने का दरगुजर का मादा नहीं है। हम बार बार कहते हैं यार ये फिर करता है ये, हम इसको माफ़ नहीं करते। तो कहने का मकसद है अपने दिल को फराग रखें, एक दूसरे की बातों को दरगुजर करें, यही ज़िंदगी है। वरना अगर हम किसी की बात को हसद, जलन, बुग़्ज़ और ईगो और ऐसी बातें अपने दिल में रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। तो लेट्स सी, आप मेरी बात जो है, मैंने बहुत इनिशियली से लेके, मतलब इब्तदाई से लेके और यहाँ तक की बात की है, और हमें बस अब एहतियात करनी है और ऐसे काम नहीं करने जिससे दूसरी इंसानियत को दुख पहुँचे। लसानियत से पाक होके हमने बहुत सारे लोगों की इमदाद करनी है, और वो लोग हैं इस वक्त जो एक डिज़ास्टर आया, वो है सैलाब जदगान का, जो रोज़ाना मैं मैसेज करती हूँ और बहुत सारी बातों को इंट्रैक्शन उसके साथ जोड़ के बात करती हूँ। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है, और हमें अल्लाह पाक जो झटके दिखा रहा है वो ये है कि हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त वहाँ के बच्चे बहुत, इस वक्त जो है उनके जिस्मों पे बहुत सारे डिजीज़ हो गई है, स्किन डिजीज़ हो गई है उनको, और वो बच्चे भी बिल्कुल, वो लोग सब लोग बल्कि बेयार और मददगार इस वक्त है। तो उनको खाने की भी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है उनको, इस वक्त खेमों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ अब चीज़ों को महंगा ना करें। मैंने सुना है खेमे महंगे हो गई हैं जो टेंट वगैरह लगाते हैं, तो प्लीज़ अब ज़रा सा इंसानियत पकड़ लें। खुदा के जो झटके हैं ना, वो हम लोगों को कराची में भी लग रहे हैं, समझने की ज़रूरत है। इस गर्मी में अचानक धूप निकलती है, बेइंतहा हिद्दत होती है, और फिर अचानक एक बड़ी सी आंधी चलती है और बारिश हो जाती है, ऐसा है कि नहीं? तो प्लीज़ प्लीज़ एक दूसरे की मदद करें, लेट्स सी। अच्छा, बात करेंगे ऑफ कोर्स, अभी मेरा जो है प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट है, और हेल्थ सेगमेंट में मैं हमेशा बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, लेकिन बच्चों की बात ज़रा सा कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। और आज भी हम, क्योंकि हम अक्सर बच्चों को, जो वालदैन को मैंने देखा, वालदा को, कि बच्चा बहुत अगर रो रहा होता है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी सिरप पिला देती हैं जिससे वो सो जाता है, लेकिन ऐसा ना करें। एंटीबायोटिक मेडिसिन बच्चों के अंदर जो ग्रूमिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, वो ग्रूमिंग जो उसकी इनिशियली चल रही होती है ना, वो रुक जाती है, क्योंकि मेडिसिन का एक इफेक्ट होता है, एलोपैथिक का बच्चों पे बड़ा बैड इफेक्ट होता है, आप उसका रेगुलर यूज़ ना करें। और ये मैं अक्सर देखती हूँ, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनमें थोड़ा नशे की दवाई होती है, तो वो उससे क्या होता है, वो बच्चा जो है ना वो सो जाता है। लेकिन आप ये, और अक्सर बच्चों को कुछ ऐसी बीमारियाँ होती जैसे इन्फेक्शन, एलर्जी, नज़ला, तो उसमें भी बच्चों को ऐसी दवाइयों का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी हाइट भी रुक सकती है, उनको कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है, अंदर ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स हो सकती है।
कोई भी बीमारी दिल की हो, अल्लाह ना करे कुछ भी ऐसी हो जिसमें एक प्रॉब्लम होती है हड्डियों का डिफरेंट जगहों से निकल जाना, तो ये बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं अगर आप बच्चे को रेगुलर कोई भी अस्थमा का पेशेंट है या कुछ, कोशिश करिए उसे एलोपैथिक से बेहतर होम्योपैथिक दवाइयाँ दें, ये ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट नहीं होता और वो बच्चों के लिए बहुत सूटेबल है। मेरी एक सजेशन है, बाकी आप किसी और से भी अपने मॉलेज से भी जाके अपने फैमिली डॉक्टर से भी इससे जो है डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा बात करेंगे, ऑफकोर्स हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है और वो खड़ा होता है स्केलेटन पे, हमारा एक ढांचा है, कहते पिलर मजबूत है तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का, ऐसी न्यूट्रिशन मेडिसिन या प्रोटीन्स या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हों। आज हम बच्चों के ख़ास तौर पे जो है जो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 12 साल से ऊपर के बच्चों की बात करेंगे जिनकी हाइट रुक जाती है या जो अंडर कैल्शियम डेफिशिएंसी से जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं, जो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, कुव्वत मदाफियत बहुत कम होती है, इससे रेलेवेंट गुफ्तगु करेंगे। तो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद है, ही इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। आपने हेल्थ से रेलेवेंट हमारा मैसेज सुना? जी माशाल्लाह वो सुन रहा था मैं। तो बच्चों का ऐसा होता है, मेरी बात आप कितनी इंडोर्स करते हो, कितनी आप इसको कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है? देखें, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्दर। ये जो कैल्शियम डेफिशिएंसीज है ना, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं कि ये सिर्फ बच्चों की हद तक अब महदूद नहीं है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और ख़ास करके कराची के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इन हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है ये अपने असरात और समर दिखा रही है। उसकी वजह हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कैल्शियम की कमी दूध की वजह से होती है। देखें, दूध एक ग़िज़ा है, एक सिंपल आपको बात बताऊं कि ये ग़िज़ा है, इसको आप कैल्शियम का इल्ज़ाम ना दें, क्योंकि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इन सारी चीज़ों की हमें हमारे जिस्म को ऑलरेडी ज़रूरत होती है। अब जो इन छोटे बच्चों की आप बात करें, इसमें दो कैटेगरी आती है, एक बच्चे वो बच्चे हैं जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और एक बच्चे वो बच्चे हैं जो स्पेशल हैं। ठीक है जी। तो होम्योपैथिक एक वाहिद तरीका इलाज है इस पूरे वर्ल्ड में, कहूँगा कि अल्लाह की रहमतों से कि इसमें इतना अल्लाह ताला ने शिफा रखी है कि किसी भी किस्म का मर्ज जो है वो इससे शिफायाब होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ख़ास करके जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं, जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, जो भरपूर तरीके से अपने आप को इस माशरे का हिस्सा नहीं बना पाते, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हमारे पास होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद है। स्पेशली जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, हड्डियों का गुदा उनके कमज़ोर हो रहा है, वो खड़े सही से नहीं हो पाते, चल नहीं पाते और वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, तो हमारे लिए उनके पास भी उनके लिए भी होम्योपैथिक की बहुत बेहतरीन दवा मौजूद है। जिसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, सबसे पहले जो दवा है जो सबसे बेस्ट और जो रिस्पॉन्स जिसका पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लर्निंग लेबॉरटरीज़ की मेडिसिन है रेक्सरूबिया के नाम से। अच्छा, रेक्सरूबिया जो है गुलनोज में इसको बनाया गया है, इसकी बड़ी ख़ासियत ये रखी गई है कि एब्जॉल्व हो जाती है शरबत में, दूध में, पानी में, और इसे ओरल भी लिया जा सकता है। इसमें अब ये कहेंगे जी सिर्फ कैल्शियम ही कैल्शियम भरा होगा, मीठी होती है, बच्चे तो बड़े शौक से खाएंगे अगर ऐसी चीज़ होगी तो, कड़वी दवाइयों से भागते हैं बच्चे। साबी, इसमें मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बच्चे तक इसको खा सकते हैं। ओके, मीठी है इसका? मीठी है बिल्कुल। और जो है इसमें एक ये होता है कि फौरी तौर पे बूस्ट करती है बॉडी को और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके और आपको आपकी दिफाई कुव्वत को बढ़ाती है बीमारी के खिलाफ। कि अगर बीमारी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, या नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, मौसमी कोई भी बीमारी अगर आपको आती है, फौरन से बेशतर वो उसको ब्रेक देती है और एक ताकत जिसमें रेक्सरूबिया जो है वो फराहम करता है। कैल्शियम का बहुत बड़ा ज़रिया है ये, मैं समझता हूँ कि हर घर में रेक्सरूबिया को तो बेसिकली प्यार से मैं मिनी डॉक्टर कहता हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। और ये वो मिनी डॉक्टर है, यानी आप ये समझिए कि सर के बाल से लेकर और पैर के अंगूठे तक जिन जिन अज्जाम की हमको ज़रूरत होती है, जिसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, लहमियात हैं, ठीक है जी, विटामिन हैं और आयरन है और दूसरी लवाजमात है, चीज़ें मौजूद हैं, उन तमाम को रेक्सरूबिया बहुत तेज़ी से क्योर करती है। इसके अंदर ख़ास करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जहाँ कैल्शियम की कमी आएगी वहाँ 100% आपको कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल
100% चाहिए होगा, तो जिस्म फौरी तौर पर इसको क्या करता है, बनाना जब शुरू करता है तो आपके पास रेक्सरूबिया ही है जो इसको सपोर्ट करती है और बेहतर तरीके से आपकी हड्डियों में कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है सिलेशिया शामिल है रेक्सरूबिया में। सिलेशिया की ख़ास बात यह है कि अंदरूनी जो दिफाई निज़ाम है आपका, जैसे मिसाल के तौर पे हम आपने सुना होगा आंखें आ जाना, जिसमें आंखें आ जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, लोग काले चश्मे लगा के घूमते हैं बहाने बहाने से, जिनकी नहीं भी आ रही होता है हो जाता है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि काले चश्मे लगा के घूमते हैं, काले चश्मे का जो सिलसिला है ना सभी, वो तो हमारे आपको पता है कभी अच्छा, ना कभी पहले एक सलमान मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, पहले नाज़िम ये होता था कि इतनी जल्दी कोई भी चीज़ हम पर इफ़ेक्टिव नहीं होती थी, और जैसे कोई आंखों की बीमारी है तो वो एक दूसरे को लग जाती है, और गले का अगर कोई वायरल चल रहा है कि भाई इन्फेक्शन चल रहा है तो सबको एक दूसरे को लग जाता है, स्किन का भी हो डिजीज़ जैसे फैलती है। अभी सुना है कि भाई अभी एक बीमारी चली थी जिससे हम कहते थे कि कोरोना, जिससे एक दूसरे को टच होने से या जो भी करीब होने से जो है वो हो जाती है, ये इस तरह की बहुत सारी डिजीज आती हैं जो इन्फेक्शन या वायरल टाइप की होती हैं और छींक मारने से दूसरों को भी लग जाती है। साबी जब भी हम अपने हुदूद से बाहर निकलेंगे ना, जी जी, उसने रब ने जो एक हुदूद बनाई है, अभी आप जिक्र कर रही थी सरकश कौमों का, तो दो ही कौमें, कौमे आद और एक कौमे मूसा जिसे बनी इसराइल कहते हैं, ठीक, ये ही दो कौमें थी जो सरकश थी और जिन्होंने ना अपने अंबियाओं का कहना माना ना अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया। 12 जो है वो अजाब आए हैं हज़रत मूसा की कौम के ऊपर, हाँ, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाजिल किया, तो भी उनको सबक नहीं मिला, इन्होंने सीखा नहीं, और जिसमें मेंढकों का अजाब भी शामिल है, जिसमें खून का अजाब भी शामिल है, जिसमें पिस्सों का अजाब भी शामिल है, लेकिन ये सुधरने वाली कौम नहीं है। बस पिस्सों की नई शक्ल आप कर लें कि वो मच्छरों की सूरत में, डेंगू की सूरत में हम तक वो कन्वर्ट हो चुकी है। अल्लाह जी देखो यार, और देखिए ज़माना यकीनन बदल सकता है, ना सूरज का निकलना तब्दील होगा, ना चांद का उभरना तब्दील होगा, ना इनका गुरूब होना तब्दील होगा, हम अपने आप को ज़रूर बदल रहे हैं। लगत खनक दल इंसान फ़ियासन तकवीम में तो जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का खुद ख्याल रखना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ेगा ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी का एक बुनियादी असूल बना सकें, और बुनियादी असूलों में सबसे जो बेहतरीन चीज़ है साबी वो हमारे पास कैल्शियम है और हमारी प्रोटीन है। अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन की बात करेंगे, जिस तरह मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, तो बच्चा ऑफकोर्स 9 महीने अपनी माँ के पेट में होता है, तो माँ को कितनी ज़रूरत है इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। या हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड सलमान सिद्दीकी साहब के साथ।